तो वही महोबा में देर रात अचानक पंपिंग सेट मशीनरी की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान की छत में रखे प्लास्टिक के पाइपों में लगी विकराल आग से इलाके में हड़कंप मच गया है। वही सूचना के बावजूद अग्निशमन वाहन एक घंटे की देरी से पहुंचा, जिसके चलते दुकान की छत, दुकान के पीछे रखे सिंचाई के प्लास्टिक पाइप जलकर खाक हो गए हैं। वही स्थानीय लोगों के भरसक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस अग्निकांड में करीब 10 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। वहीं पुलिस और अग्निशमन के अधिकारी आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुट गए हैं। ये आग जैतपुर कस्बे के ब्लॉक के सामने स्थित मशीनरी की दुकान में लगी। प्लास्टिक और रबर के पाइपों में लगी आग इतनी भयंकर थी कि पूरे गांव में आग की लपटें दिखाई देने लगी। स्थानीय लोगों की करीब 1.5 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन इस अग्निकांड में दुकान की छत और मकान में रखे सिंचाई के पाइप जलकर राख हो गए हैं। घटना आग ही लग गई, यहीं बिलाताल के गेट पे दुकान थी, हरपाल मशीनरी के नाम से। यही समर सेबल है, मान लो मशीन पंप सेट है और सांटा है, स्प्रिंकलर पाइप है। कैसे आग लगी पता नहीं है, किसी ने जाल लगाई हो या अपने आप लग गई हो। जैसे फायर ब्रिगेड को आपने फोन किया? जी। क्या हुआ, मौके पे बहुत टाइम में पहुंची, जलो तो बुझाई गई। गया दादी की दुकान पर, बगल में दुकान है किराना की, और बगल में हार्डवेयर की दुकान है, उसमें आग लग चुकी है। आपकी काय की दुकान है और कहाँ पर थी? ब्लॉक के गेट के बगल में दादी की दुकान है, दादी के बगल में गया दादी की दुकान है, गया दादी के बगल में हमारी दुकान है, किराना की दुकान है हमारी। जयपुर में क्या घटना घटित हुई आज? यहाँ सीयूजी कॉल महोबा से कॉल आया, कंट्रोल रूम से, फायर स्टेशन मैनेज मुख्यालय से कॉल आया कि यहाँ जयपुर ब्लॉक के पास दुकान में आग लगी है। तुरंत सूचना प्रभारी जी को प्राप्त हुई तो यहाँ पर डायरेक्ट गाड़ी लाए रास्ते से, और देखा कि पाइप लाइन जले हुए हैं तो आग बुझाई गई। आने में इतना समय कैसे लग गया आपको? वहाँ पर बीच में एक वो बेलन रहती ना, तो रोड खराब था, वहाँ पर बेलन रखी हुई थी, तो उस वजह से घूम के आए हैं, तो रास्ता बहुत खराब थी और बीच में सीसी डला हुआ है, वो तो बहुत कंजेस्टेड जगह है, कंजेस्टेड जगह है, वो सकरी जगह है, इस वजह से वहाँ पर वो सारे वो लगे, मट्टी भी डली थी बीच में एक बार। कितना विलम्ब लगा आपको यहाँ आने में? अब करीब हमने देखा नहीं है, हम गाड़ी में।